जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। श्रीनगर और आवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दो अलग अलग मुठभेड़ में चार आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। श्रीनगर के सोरा में दो आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन में AK-47 और पिस्टल बरामद हुई है। आवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हथियारे भी ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर तैयबा के आतंकी मारे गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 10 आतंकियों को मार गिराया है। 3 दिन के अंदर 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। कल रात आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर में श्रीनगर में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी मारे गए। उनके पास से AK-47 और पिस्टल बरामद हुआ है। वहीं दूसरे एनकाउंटर में अवंतीपुरा में हुए सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में कश्मीर की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी मारे गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 7 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में जिन आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या की थी, एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या की गई थी, सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के IG पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि लश्कर के ये दोनों आतंकियों ने अपने कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या की थी। मारे गए इन दोनों आतंकियों के पास से जिस तरीके की राइफल इस समय बरामद की गई है, 4 मैगजीन भी बताई जा रही है और 1 पिस्टल भी बरामद की गई है। रईस वानी संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रईस, लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है आतंकियों को ढेर करने में। जी काजल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में जो है कल एक झड़प होती है, एनकाउंटर होता है, फौज को इनपुट मिलता है कि वहां पे जो है मिलिट्री छुपे हुए थे। और आपको मैं बता दूं कि वहां पे जो ही जो फौज है वहां पे पहुंचते मिलिट्री ने उन पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है वहाँ पे एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और आपको मैं बता दूं काजल की काफी देर तक जो है एनकाउंटर चलता रहा और फाइनली जो है पहले ही ट्वीट आया था IGP कश्मीर का कि जो हाल ही में टीवी आर्टिस्ट की जो हत्या कर दी गई थी उनपे जो है गोलियां बरसाई गई थी, उनकी मौत हुई थी, यही दो जो मिलिटेंट थे वो इन्होंने ही वो हमला किया था। काजल, मैं आपको बता दूं कि ये जो काफी टाइम तक ये फायरिंग करते रहे और फिर फाइनली जो है दोनों को जो है फौज ने मार गिराया। और ये दोनों लोकल थे और दोनों लश्कर तैयबा के संगठन से ये मिलिटेंट थे और ये अभी एनकाउंटर चल ही रहा था। तो दूसरी तरफ अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में सोरा की बात करेंगे, वहां पे भी जो है फौज ने एनकाउंटर वहां पे भी चल रहा था और वहां पे फौज ने 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को मार गिराया। कुल मिला के 10 घंटों में 4 मिलिटेंटों को फौज ने मार गिराया है। और आपको मैं बता दूं ये जो चारों मिलिटेंट है चारों के चारों लश्कर तैयबा संगठन से थे और चारों जो लोकल जो बताया जा रहा है कि ये लोकल मिलिटेंट थे। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम कुल पिछले तीन दिनों की बात करेंगे 10 मिलिटेंटों को फौज ने मार गिराया है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, 10 मिलिटेंटों को मार गिराने में कामयाबी हुई है फौज को, जिसमें 7 मिलिटेंट जो है वो लश्कर तैयबा के थे और 3 जो है वो जैश मोहम्मद के थे। और इनसे हथियार भी बरामद किया गया है और ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि पिछले 3 दिनों में 10 मिलिटेंट को मार करना फौज के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्यारे भी ढेर हो चुके हैं जो कि लश्कर ए तैयबा से संबंध रखते थे।